एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हमें जाना था शादी में और मैं सुबह उठी, काम वाम कर लिया, सब कर लिया। जब आरुषि आई, जब मैं बर्तन धो रही थी, आरुषि आई है और मुस्कान है ना, पायल नहीं वो कोमल पायल कोमल तो ये है कोमल, ये है आरुषि की नई क्या हेयर आर्टिस्ट। हाँ, अरे हेयर आर्टिस्ट है, ठीक है, ड्रायर चला के जरूर दिखाना था, लोग मान गए, सच प्रूफ दे रही है लो ड्रायर। सो गाइस, अभी ड्रेस वेस मैंने निकाल दी, ब्लाउज पहन लिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप। मैं जस्ट अभी नहा के आई, बर्तन धो रही थी, जब तक पायल छनछन और कोमल पायल छनछन तो करती है। सो पायल और आरुषि आ गए हैं, तो जब मुझे कहीं जाना था, आप लोगों को पता है आरुषि से ही मेकअप कराती हूँ मैं ज्यादातर। सो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाएंगे धीरे धीरे कैसे मैं क्या तैयार होने वाली हूँ। समझ तो गए होंगे आप, ब्लैक आउटफिट है मेरा, ब्लाउज दो है अभी, ये पहना है, फिर दूसरा भी पहन के देखेंगे क्या अच्छा लगेगा। क्या लगाया ये? मॉइस्चराइजर, वो भी बहुत महंगे वाला। कितने का? 2000 वाला। ओ माय गॉड, डिब्बी लाके दिखा दे। जो ये लो गाइस, एम्ब्रोलस का यूज करती हूँ मैं इनके ऊपर। गाइस ये है एम्ब्रोलस। अब 2000 के हिसाब से प्रोडक्ट का नाम तो लूंगी इंग्लिश में। ये कितनी अच्छी हो गई। सो गाइज, अभी 2000 का मॉइस्चराइजर लगने जा रहा है, मेकअप तो यही होगा सारा महंगा। सो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तैयार हो। ठीक है, तो फिर ठंडा ठंडा लग रहा है। गाइज मेकअप हो गया स्टार्ट और लहंगा फैला दिया है, नहीं स्टार्ट और ये लहंगा रखा है और हो रहा मेकअप, तैयार होगी बाद में, क्योंकि इसको तो कम टाइम लगेगा, मुझे ज़्यादा लगेगा। इसकी मेकअप आर्टिस्ट मैं बनूंगी। कैसे? इसकी इसका तो मेकअप मैं करूंगी। अच्छा, ना ये देखो कौन आया है, निन्नू। हाय, हाय कर दो प्लीज। नहीं करोगे? गाइस अपना मूड नहीं है उसका, नहीं कर रही। सो मेरा मेकअप आधा हो चुका है, अब हेयर स्टाइल बन रहा है, मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगी। बैठ गई मेकअप करके आराम से। आरुषि गुन्नू आई थी वशु के लिए एक ड्रेस देने और कुछ सामान लेने, ये भी आ गई साथ में, फिर बंदर। गाइस फाइनली मेरा मेकअप डन हो गया है, मैं पूरी सेट हो गई हूँ। चूड़ा पहना था पहले, फिर मैंने ये पहन ली ब्लैक वेलवेट की चूड़ियाँ, और ना कमरा बहुत गंदा हो गया, आके मुझे करना, इतने मम्मी की वजह से ही लेट हो रहे हैं हम। सो मैं करने लग गई थी झाड़ू, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा निकला, आधा तो मैंने फिकवा दिया इससे, अब आधा हो गया और अब बस वशु का थोड़ा सा टचअप करना है, फिर हम लोग निकलेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। हम निकल रहे हैं, उन्होंने भी ब्लैक पहन लिया है सेम, और कुछ और पहना था, इतने गंदे कपड़े मैंने चेंज कराए। बेटा ये अंदर करियो, रुक मैं अंदर करती हूँ, तू गेट बंद कर। गाइस बैठ भी नहीं पा रही मैं, नहीं हुआ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कर अब कर, खोल के कर फिर से। हाँ, सो गाइस फाइनली बैठी हूँ बड़ी मुश्किल से, और ये वाला पर्स लिया मैंने अपना, तो चलो चल रहे हैं हम, बेशक लेट हो गए, और मैं तो गाड़ी में भी नहीं आ पा रही, और हमारी वाली गाड़ी गाइस है नहीं, जैसे कि आपको पता है ये पिक्कू भाई की है, मम्मी तो काली भी नहीं है, और काले शीशे नहीं है ना हमारी गाड़ी के, काले शीशे है, और मुझे ना काले शीशों की आदत पड़ रही है, और ये पिक्कू भाई जो मेरे मामा है उनकी गाड़ी है, इस पे आगे लिखा हुआ है गोलू पीछे गुजर, और हमारी वाली अभी आई नहीं, आज बोला था उन्होंने दे देंगे पर दी नहीं, फिर हम मामा की लेके जा रहे हैं। सो चलो रास्ते में आगे बातें करेंगे, अभी पहुँच लिए पहले, बहुत लेट हो गए हम लोग। शो आ रही है, नॉर्मली पहना है ठंड के हिसाब से, बहुत देर के निकले हुए हैं पर जाम ने पागल कर दिए, 6 बजे के लिए हो रहा, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया अभी हमें जाम जाम है, और अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है, और जबकि 35 किलोमीटर का रास्ता था, इतना जाम है, ऊपर से लहंगे में बैठना इतना टाइट बना हुआ है ना, मेरे को तो आज मिनट का रास्ता, मुझे तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वॉमिटिंग होने जैसा हो रहा है, वरना मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं होती गाड़ी में, हालत खराब हो गई जाम में, मतलब इतना जाम है आज का ना, शादियों का बहुत तगड़ा साया आज 3 तारीख का, दुनिया भर में शादियाँ, हर जगह टेंट लगे हुए हैं, ये वो सब, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे तो, पेट मेरा सो रहा है अजीब सा बिल्कुल। सो गाइस सब देखो कब पहुँचेंगे, रास्ता रह गया है मान लो 20 मिनट का, पर अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है जाम की वजह से, क्योंकि जाम लग रहा है सारे में। 3 घंटे के जाम के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, इधर देखना इतना जाम ना मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिला, 3 घंटा। हाँ सीरियसली पागल हो गई जाम में मैं। गाइस मम्मी ने कुछ नहीं करा आता ही है ना, मतलब मैं तो पहले सारे रिलेटिव से मिली जिनसे आपसे तक नहीं मिली थी फर्स्ट टाइम, पर व्लॉग नहीं बनाई भाई क्योंकि मुझे शर्म आती है सबके साथ ऐसे व्लॉगिंग करने में, और इन्होंने जो खाया है क्योंकि 3 घंटे जाम में जो आए हैं हम लोग, और इसमें खा रहे वशोर में
तो गाइस ये हमारे छोटे मोमो है, आप सब देख सकते हो मोमो हमको ला रहे हैं। कभी रसगुल्ले ले 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 ये ले ये ले। मैं मेरी जो इंस्टाग्राम चल रहे चमैन का भी मौज आ रही है, मम्मा मेरे गाने भजन सब। ये कौन है, आप गाने भी गाते हो? और चैनल जागरण सब कुछ गाता हूँ मैं तो। तो गाइस हमारे छोटे मामा तेरी बहन का बहू है, हम सुंदर है सुंदर है। तो गाइस आज जल्दी फेरे हो रहे हैं बारिश की वजह से, फोटो नहीं खींच रहे, व्लॉग बन रहा है। जा रहे हैं हम तो अपने घर को, किनारे फोटो नहीं खींच रहे, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा है। मतलब मैं इतना खराब अब जरूर भैया अब ब्लॉग में देखिए, ब्लॉक मत करना इसको, लाइट करना, लाइट लाइट लाइट। चलो हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, अभी बज रहे हैं 11 और बहुत मजा आया, बहुत बहुत सारे लोग मिले हमें सब। हम लोग घर जा रहे हैं और इतना सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे तो, पता नहीं क्यों नजर लग गई। हम वशु आज तूने लाल होट रजा है, देख लो इसमें आप नहीं कर रहे भाई, बुरी लग रही है। मैंने ब्राउन लगाई थी, यही थी, सब घुसंड मारूंगी ना, झूठ मत कह, तेरी आंखन में दिख रहा। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, और हमने इतनी ट्यूनिंग करी पर कुछ वीडियोस ही नहीं बना पाए, और ये तो नए कपड़े लाए थे वो रखे, ये रहे दिख, छोड़ना छोड़ना, ये देखो इनकी नई जैकेट। सो गाइस घर जाके मिलेंगे अब डायरेक्ट आपसे। हम लोग आ गए हैं घर और अभी बज रहे हैं रात के 1, और मेकअप तो मेरा देख लो आरुष ने कितना बढ़िया करा, अभी तक सेटल है, बट ये है कि सबको करा तो लो, अब पिन ने निकालने में ना हालत ख़राब हो रही है, और 1 बज रहा है अभी, अच्छा उठ गया अभी, नींद आ रही है ना भाई, अभी रुक जाओ पिन ने निकाल ले। फाइनली
इतनी थकान में भी मेरी आईज देख रहे हो, मम्मी मेरी आईज देखना क्या हो गया इन्हें। मेरा भी ऐसी हो रही है तबीयत गाइस, हमारे सबके सर दुख रहे हैं। चाय को मन कर रहा अगर कोई पिला दे तो पिला तो दूंगी, दूध नीचे है बहुत, दूध धरो नीचे फ्रिज वाले, नीचे वाले फ्रिज में ना दूध ही दूध धरो, जाकर देख ले। अब मैं 1 बजे नीचे जाऊंगी, मुझे दूध मिल जाऊंगा, सिर में दर्द हो रहा है यार, ले आओ फिर बना दूंगी। मम्मी भी नहीं सोगी, मम्मी के भी सिर में दर्द हो रहा। 500 रुपये दे दो, ले लो हम पड़े हमारे, मेरे पैसे मुझे ही देने के, हराम ही हो रहे हो आप। ले आओ दूध फिर बना दूंगी चाय तो। रोटी भी धरी है? नहीं रोटी तो नहीं, आटा गूंदना पड़ेगा, गूंदो वो है पापे वापे फैन में मिलाया सुबह, रस का पैकेट है, फैन नहीं है। क्यों मिलाया था फैन? खत्म हो गए तब निकाल लिए थे, ऑनलाइन लगा लें कुछ। ऑनलाइन सो गाइज, मैंने ना पहले मैं आपको बताती हूँ, बड़ी शिद्दतों के बाद मेकअप रिमूव करा है और अब मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मेरा ना एक मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है, तो वैसे मैं 2-3 ब्रांड्स के यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं क्योर स्किन का यूज़ करती हूँ, एक फेशियल, फेशियल कह रही हूँ, फेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया वाला फेस वॉश। मैं फेस वॉश में तो थोड़ा बहुत था बट वो नहीं था, जो मेरा क्योर स्किन का मॉइस्चराइज़र है ना, वो फशू भी लगाती है, तो वो मतलब ऐसा है स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज़ करता है, तो वो नीचे मैं नीचे ना जा पा रही थी ना, इसलिए अब मेरे पास ये वाला मॉइस्चराइज़र है। ये भी मुझे अच्छा लगता है, ये मैं लगाती हूँ, ये लवर्थ का है। सो क्योर स्किन वाला तो नीचे था तो ये लगा लिया मैंने, देखो पिंपल्स निकल गए। मेरा ये हैवी मेकअप कराते ही मेरा ये हाल हो जाता है, और वो तो आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलर में कोई बेस वेस बहुत लीप अप होती करती नहीं हूँ रेगुलर में, जब मेरा ये हाल है। सो गाइस चलो मैं ये वाले ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और ब्लॉगिंग करने की, ऐसे जी कर रहा है सो जाऊँ बस, पहले भर भर के मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। जब आप लोग भी शादी पार्टियों पर जाओ आके मेकअप रिमूव करो ना, तो भर भर के मॉइस्चराइज़र से अपने फेस की मसाज करो अच्छे से, लाइक मी। ओके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जब हम आ रहे थे ना वापस तो बहुत सारे लोग मिले, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कौन कौन हमारे क्या रिलेटिव हैं, फिर उन्होंने ही मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो जानते थे क्योंकि ये लोग तो जाते रहते हैं। सो हेयर वॉश कल करूँगी, क्योंकि कर्ल्स करे थे ना तो बालों की हालत देखो। सो चलो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाबा लव यू। मेरा लुक कैसा लगा बताना, और आप लोग अगर पूछोगे लहंगा कहाँ से लिया, वैसे तो आप पूछोगे। सो कार्तिका जीनत से मंगवाया था एक दिन में ही ऑनलाइन, फ़ोन पे ही देख के लहंगा मंगवाया था कार्तिका जीनत से, और मेकअप करवाया है आरुषि से, नेल्स कराए थे ओ माई नेल्स से, आपको इन सब की आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे ही। सो चलो गाइस टाटा बाबा लव यू, गुड नाइट।